हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना, वो आपका बहुत सारे देखिए फ्रिज में भी यूज होता है, कोल्ड स्टोरेजेस में भी यूज होता है, एसी में भी यूज होता है, वही वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो इसको समझने के लिए आपको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आज ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपका सेमिस्टर्स में भी और फिर एंट्रेंस एग्जाम में भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में के क्वेश्चंस भी आते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। देखिए उसमें क्या होता है कि चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका कंप्रेसर, दूसरा हो गया आपका कंडेंसर, तीसरा हो गया आपका एक्सपांसन वाल्व और चौथा है आपका इवापोरेटर, राइट। तो ये सब जो है ये चार मेन दोस्तों कंपोनेंट्स है, और इन सभी में और एक चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों रेफ्रिजरेंट। ये जो रेफ्रिजरेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों प्ले करता है इन्हीं साइकिल में। आपका जो ये जो रेफ्रिजरेंट है ये ट्यूब्स में ही घूमता रहता है, ठीक है, ट्यूब्स में ही वो घूमता रहता है, और यही है कि जो कूलिंग इफेक्ट दोस्तों प्रोड्यूस करता है, राइट। तो क्या होता है दोस्तों, इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट क्या होता है कि एट लोअर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर जब इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो वो रहता है, उसका प्रेशर कम रहता है और उसका टेम्परेचर भी कम रहता है दोस्तों इस रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है, कंप्रेसर में जाता है दोस्तों। कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट क्या करता है, ये कंप्रेसर का दोस्तों क्या काम है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देना, रेफ्रिजरेंट उस टाइम कंप्रेस हो जाता है। जब रेफ्रिजरेंट दोस्तों कंप्रेस होता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है दोस्तों। जब कोई चीज कंप्रेस होती है तो उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है लेकिन उसका प्रेशर दोस्तों इंक्रीज हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है दोस्तों। फिर यही हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट क्या करता है, कॉन्डेंसर में जाता है, ओके। कॉन्डेंसर एक ट्यूब से, ठीक है, कंडेंसर मतलब ट्यूब्स। आपने फ्रिज में देखे होंगे बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर में, आप देखे होंगे फ्रिज में कि उधर एक सर्कुलर सर्पेंटाइन ट्यूब्स जैसे होगा ब्लैक कलर का, पहले वाले रेफ्रिजरेटर में ज्यादा दिखाई देता है, अभी कैसे कवर हो गया है, लेकिन पहले वाले जो रेफ्रिजरेटर होते थे वहां पर आप देखोगे कि बैक साइड में देखोगे कि ऐसे एच टाइप का ऐसे सर्पेंटाइन ट्यूब्स जैसा होगा, तो वो क्या है दोस्तों, कॉन्डेंसर है और उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। अभी क्या हुआ कि हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट कहाँ गया, हमारा कंडेंसर में गया, ठीक है। तो कंडेंसर में जब पास होता है तो क्या होता है कि यही रेफ्रिजरेंट क्या करता है, वो हीट को फेंक देता है, कहाँ फेंकता है, टू द एटमोस्फियर। यहाँ पर क्या होता है, वो जब भी वो ट्यूब्स में फ्लो करता है ना तो वो हीट को फेंक देता है, हीट को रिजेक्ट कर लेता है टू द एटमोस्फियर। यहाँ पर हीट को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्यों रिजेक्ट मैं लिख रही हूं, इसलिए यहां पर क्यों जो है हीट को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, जब हीट को रिजेक्ट कर देता है तो क्या होता है कि उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या था, जब इवापोरेटर से कंप्रेसर में गया तो वो गैस फॉर्म में था, कंप्रेसर से जब कंडेंसर में गया तो रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में था, लेकिन जब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जब हीट को रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, गैस से वो क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट, ये जो भी जो लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट है ना, ये लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट क्या हुआ कि एक्सपांसन वाल्व में एंट्री किया। ये जो लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट, अभी लिक्विड है रेफ्रिजरेंट आपका, क्या है, लिक्विड स्टेज में है, तो ये जब ये जो लिक्विड वाला रेफ्रिजरेंट ये एक्सपांसन वाल्व में जब जाता है तो क्या होता है दोस्तों, उसका प्रेशर घटता है और उसका टेम्परेचर भी दोस्तों घट जाता है। अगर आपने ये साइकिल समझ लिया ना तो आप टीएस डायग्राम या पीएच डायग्राम बहुत अच्छे से दोस्तों कर पाओगे,
ठीक है। तो एक्सपांसन वाल्व में क्या होता है दोस्तों, उसका प्रेशर और जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है और वो जो टेम्परेचर है ना उसका धड़ाधड़ उसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक्सपांसन वाल्व में जब जाएगा। फिर अभी क्या होगा, अभी यही लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, अभी स्टिल लिक्विड में है, अभी ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इवापोरेटर में जाएगा। ओके, इवापोरेटर भी आपका टॉप मोस्ट पोजीशन, जब फ्रीज में देखोगे तो टॉप पोजीशन, जो अपर सॉरी टॉप नहीं अपर मोस्ट पोजीशन में आपका इवापोरेटर है, ठीक है। तो इस इवापोरेटर में जब एंट्री किया तो वो लिक्विड स्टेज में था, ठीक है, लिक्विड स्टेज में था। लेकिन इस इवापोरेटर के जो ट्यूब्स, ये इवापोरेटर भी एक हीट एक्सचेंजर है दोस्तों, तो जब भी रेफ्रिजरेंट इस इवापोरेटर में जाएगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्यों फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो हीट को खींचेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा। कहाँ से हीट को एब्जॉर्व करेगा, अगर मैं आपको रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो जो भी आपने फूड आइटम्स, जो भी आप फूड आइटम्स स्टोर करते हो ना, वहां से वो हीट को खींचता है, ये रेफ्रिजरेंट जो है वहां से हीट को खींचता है। जो भी आप फूड प्रोडक्ट्स रखते हो वहां से वो हीट को खींचता है और फिर उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो क्या होगा, लिक्विड से धीरे 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 करके वो वेपर में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर यही वेपर वाला रेफ्रिजरेंट या फिर गैस वाला, जो भी आप बोल सकते हो, मैंने तो यहां पर, ठीक है, तो ये जो है लिक्विड वाला जो है गैस या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों होगा, उसका इवापोरेटर में उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और यही वाला दोस्तों वेपर जाके कंप्रेसर जाएगा, फिर कंडेंसर, फिर एक्सपांसन वाल्व, फिर इवापोरेटर। तो ये साइकिल दोस्तों कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा और उसी के वजह से ही कूलिंग इफेक्ट आपको मिल पाती है इनकेस इन एसी और इन फ्रीज और इन कोल्ड स्टोरेजेस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अभी टीएच डायग्राम करके समझाती हूँ, ठीक है। अभी हम टीएच डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, ठीक है। टी मतलब टेम्परेचर और एस मतलब एंट्रोपी, ठीक है। अगर आपने दोस्तों थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे तो कुछ इस तरह से दोस्तों वेपर डोम आपको समझ, कुछ इस तरह से वेपर डोम बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये वाली जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर दे रही हूं, जो ग्रीन वाली जो लाइन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, इसको सैचुरेटेड वेपर लाइन बोलेंगे दोस्तों। जब भी रेफ्रिजरेंट आपका इस वाले जोन में आएगा, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट लिक्विड, ये लिक्विड फेज में होगा, ठीक है। ये वाली तो कंप्लीटली, ये तो पूरा सैचुरेटेड फेज में है, लेकिन ये वाली जो जोन है, ये वाली लिक्विड में जाएगा, लेकिन ये वाली में पूरा वेपर, सुपर हीटेड वेपर, ये जो है ये सुपर हीटेड वेपर है, ठीक है दोस्तों। जब अगर रेफ्रिजरेंट आपका बीच में रहा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन दोनों के बीच में रहा, तो फिर वो वेट रीजन कहलाएगा, लिक्विड प्लस वेपर फेज में होगा वो, ठीक है। यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कुछ अंश जो है वो लिक्विड रहेगा, कुछ अंश जो है वो वेपर रहेगा, ठीक है। अगर रेफ्रिजरेंट आपका ये वाली लाइन में है तो वो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेज में, लिक्विड स्टेज में है, ओके। अगर ये इसमें है तो सैचुरेटेड वेपर, ओके। अगर दोस्तों ये वाली जोन में है तो वो सुपर हीटेड वेपर कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर दोस्तों सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन दोनों एक जगह पे, अगर जहां पर मीट कर रहे, दोनों जहां पर मीट कर रहे, उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस वाले पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका टीएस डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने आपको क्या क्या लाइन में है वो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिए पहले क्या होगा, रेफ्रिजरेंट जो है इवापोरेटर से निकले के कंप्रेसर में जाएगा, ओके। जब रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर से निकलेगा तो वो क्या रहेगा, पूरा एकदम सा वेपर स्टेज में रहेगा, वेपर स्टेज में रहेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेंट जो है कंप्लीटली, देखिए इस डायग्राम में देखिए, रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट निकला, गैस या फिर मैं अगर ये करूं तो वेपर, ठीक है वेपर ही लिख देती हूँ,
वेपर फेज में रहेगा, कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर से जब निकलेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम, रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर स्टेज में है, ठीक है, उसका प्रेशर बढ़ा, उसका टेम्परेचर बढ़ा, देखिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, वो अभी सुपर हीटेड जोन में चला गया। फिर क्या करेंगे, थोड़ा उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, डी सुपर हीट कर देंगे। ठीक है, इसको टू डैश बोलते हैं, इसको टू बोल देते हैं, ठीक है, इसको टू मैंने दे दिया। ठीक है, फिर अब रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, अभी कॉन्डेंसर में जाएगा। जब कॉन्डेंसर में जाता है तो क्या होता है, उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी वेपर से क्या होगा, वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेज में आ जाएगा, कंप्लीटली वो लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। इसको मैं थ्री दे देती हूं, और एक कोई, इसको हम थ्री देते हैं। ठीक है, ये वाली जो पॉइंट है ना, इसको हम थ्री देते हैं, राइट। अभी रेफ्रिजरेंट का फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पूरा ये वाला जो पॉइंट था ये पूरा वेपर में था वो, लेकिन पूरा जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक्सपांशन भाल में जाएगा। ठीक है, जब एक्सपांशन भाल में जाता है तो उसका प्रेशर धड़ांग से कम होता है और टेम्परेचर भी धड़ांग से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट जो है ये नंबर फोर हम बोल सकते हैं उसको। फिर क्या होगा, फिर रेफ्रिजरेंट जाएगा कहां, इवापोरेटर में जाएगा। ठीक है, इवापोरेटर में जब जाता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों सेम रहते हैं लेकिन फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी देखिए पॉइंट नंबर फोर जो है वो लिक्विड प्लस वेपर था, कुछ अंश लिक्विड था और कुछ अंश वेपर था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कंप्लीटली वो वेपर स्टेज में चला गया, लेकिन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो ये होता है दोस्तों कंप्लीटली उसका टीएस डायग्राम। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।